या दूसरे पार्टी की तरह एक खाली पार्टी ही बना गए, चलो पांच सात पार्टी थी और एक पार्टी बना लेते हैं, चलो सभी नेता लोग भाषण देते हम भी भाषण दे देते हैं, चलो सभी लोग 5,000-10,000 की संख्या में लोग जमा करते हम भी जमा करके वहां पर भाषण दे देते हैं, इतनी ही प्रयोजन था तो हमारा राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार उसी सभा में आप सब यहां पर बहुत बड़े बुजुर्ग लोग सब बैठे हैं जो 7 साल के आंदोलन भी देखे होंगे, शायद 7 साल के आंदोलन नहीं देखे होंगे तो पंचायत काल के बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे। ऐसी सभाएं बहुत होती है, बहुत बार हुआ है मध्य के इतिहास में, बहुत बार आंदोलन हुआ है और वही बार बार ही करना है। इस सभा का कोई मतलब नहीं है, सभा तो सैकड़ों सभा में एक सभा ये भी हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जानना जरूरी है। तो मैं ये आपको कह रहा हूं, आज पूछिएगा लेकिन उसके साथ ही मैं यहां एड भी कर देना चाहता हूं, जोड़ भी देना चाहता हूं कि सोचिए कि हमारे पास में इतनी उर्वर भूमि है, मधेशियों के पास में इतनी उर्वर भूमि है जितना उर्वर भूमि दुबई कतार में कभी नहीं मिलेगा। दुबई कतार मरुभूमि है, वहां पर बालुआ है, आपको बताता होगा आपका बेटा कि वहां पर एक गाछी नहीं मिलता है, वृक्ष नहीं मिलता, हरा भरा कहीं देखने को दूर दूर तक नहीं मिलता है। हम सब यहाँ पर एक गाय भैंस रखने में जितना मेहनत करते हैं, जितना गाय भैंस को रखने के लिए देखभाल करना पड़ता है, वहां पर एक वृक्ष को एक गाछी को देखभाल उतना करना पड़ता है, इतना महंगा है वहां गाछी रखना। तो वो मरुभूमि वाला देश में से कौन सी बात है जो आज यहां से 10-20 लाखों को लोगों को वहां ले जाकर नौकरी दे रहा है और हमारे पास इतनी उर्वर भूमि होते हुए भी, इतना सुगम भूमि होते हुए भी यहां पर कोई रोजगारी नहीं है, घर घर में भुखमरी है, घर घर में बच्चे नंगे।